नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलएनटी का लार्सन एंड टुब्रो का जो है वो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जो है वो चार्ट पैटर्न की बात करें। वीकली चार्ट पे जो है वो हमको एक डबल टॉप फॉर्मेशन इस पे भी दिख रहा है और उसका जो है ये ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन कैंडलस्टिक पे लग रहा है। चलिए आइए देखते हैं कि लाइन चार्ट पे जो है वो ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि हम लाइन चार्ट पे जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल करके देखें तो यस, ब्रेकडाउन हुआ है। 1776 का जो है वो नेकलाइन था और उसका वो वीकली बेसिस पे जो है वो हमारा ब्रेकडाउन वहाँ पे हमको दिख रहा है। ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने बोला है कि तीन टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखिए, तो सबसे पहले जो हायर टाइम फ्रेम होता है, एक्सट्रीम हायर टाइम फ्रेम, जैसे हमने यहाँ पे वीक ईयरली मंथली और वीकली लिया है, तो ईयरली टाइम फ्रेम पे जो है हमारा प्राइमरी ट्रेंड है वहाँ पे ओपनिंग 1283 का था और क्लोजिंग 1895 का था। इट मीन्स कि ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है और पॉजिटिव है। मंथली पे ओपनिंग 1928 का था, क्लोजिंग 1816 का, तो ट्रेंड डाउन है। वीकली पे 1764 का ओपन था और 1711 का जो है वो क्लोज आया। 1764 का ओपन था और 1711 का क्लोजिंग था, तो ट्रेंड हमारा नेगेटिव है। तो ईयरली अप, मंथली डाउन, वीकली डाउन, ये हमारा है। लेकिन जिस तरह से हमने अपने पिछले वीडियो में, एसबीआई वाले वीडियो में जो है वो हमने देखा था कि एसबीआई एक स्ट्रांग स्टॉक है और अभी भी एनुअल पिवट लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है, सेम वे में इसका एनुअल पिवट लाइन जो है वो 1719 है और उसको अभी जस्ट उसने टेस्ट किया है। यदि हम देखें तो वीकली बेसिस पे हमको क्लोजिंग जो है वो 1711 का हमको एनुअल पिवट हाई का जो है वो हमको दिख रहा है। एनुअल पिवट लो जो है वो 1515 का है, तो जो काफी नीचे है। तो अभी एलएनटी बीइंग स्ट्रांग स्टॉक जो है वो इसका ट्रेडिंग रेंज जो ईयर का अभी फिलहाल अभी हमको दिख रहा है वो 1719 से 1515 का है। लेकिन ये इस इन बिटवीन ये कहाँ पे बॉटम बनाता है ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन को उसने प्रीवियस वीक में टेस्ट किया है विच इज 1715। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो हमको 1719 को देखना है कि उस पे वीकली बेसिस पे नेक्स्ट वीक जब हम इसका रीएनालिसिस करेंगे सैटरडे संडे को, तो हम देखेंगे कि इस लेवल को उसने होल्ड किया या फिर उसके साथ जो है उसने कंटिन्यूस टू वीक का क्लोज दिया है। तो एक हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है वो 1719 है। चलिए आइए देखते हैं कि वीकली बेसिस पे जो है वो हमको क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन निकल करके आ रहे हैं। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अभी फिलहाल हटा देता हूँ। यदि वीकली पे देखें तो हमारा एस वन जो है सो 1667 पे है, 1767 पे हमारा एस वन है। सॉरी 1667 ये तो 1700 हम देख रहे हैं, 1667 1667 राइट, ये सही है। 1623 का जो है वो हमको S2 दिख रहा है। ये सारे कैलकुलेटेड होते हैं, आप लोगों को भी फॉर्मूला पता है किस तरह से होता है, थोड़ा सा वेरिएशन मैं यूज करता हूँ और बाकी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि हम यहाँ पे आपके साथ जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आप लोग भी सीख जाएं कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है और आप अपने स्टॉक पे कर सकते हैं और लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारा ये आर वन हो गया और 1887 जो है वो हमारा आर टू हो गया। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का है। अब हम मल्टी टाइम फ्रेम का जो है वो पिवट जोन जो है वो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 1719 का अभी हमने देखा था वो हमने सबसे पहले ड्रॉ कर दिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देयर आफ्टर जो है वो 1708 का जो है वो हमको मंथली S1 है 1708।
तो हमारा यही जो है, ये हमारा मल्टी पिवट जोन जो है वो 1708 और 1719 हमको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो हमारे लिए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ, 1719 से लेकर के 1708 मंथली S1 है। देयर आफ्टर हमको रेसिस्टेंस जो मिलेगा वो 1887 का R2 है, वीकली R2 है, और पिवट हाई जो है वो 1895 का है। 1895 का जो है वो हमको पिवट हाई है, 1895 का जो है वो हमको पिवट हाई है। तो हमको रेसिस्टेंस जो मिल रहा है वो 1887 और 1895 का पिवट हाई है। तो हमको ये पॉइंट जो है वो दोनों हमारा वो मल्टी पिवट जोन जो है वो LNT का हमने ड्रॉ कर दिया है। अब मार्केट की मर्जी है वो किसको एक्सेप्ट करेगा, किस सपोर्ट को वो होल्ड करेगा, किस सब रेसिस्टेंस को वो तोड़ देगा, और वो किस तरह से नेक्स्ट वीक जो है वो ट्रेड करता है। लेकिन हाँ, हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर दिया, इस तरह से जो है वो आप भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ट्रेडिंग व्यू में भी जो है, लेकिन उसमें मल्टीपल आपको दिखा है, लेकिन आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा कौन सा ले, तो वो वहां पे आपको हटाना पड़ेगा, या फिर आप मेरी तरह जो है वो चार्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर आप चार्ट 4 आवर देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार यदि प्लेस कर दिया है तो वो उसके मेमोरी में रहता है। तो ये हमने वीकली बेसिस पे जो है वो हमने LNT का एनालिसिस कर दिया है। नेक्स्ट वीक हम इसको रिव्यू करेंगे कि मार्केट ने इसके इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या किया। थैंक यू, नमस्कार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।